आपके साथ मैं हूं अनुजा। नगर कांग्रेस की बैठक में आगामी 16 दिसंबर को देहरादून में आयोजित कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई है। बैठक में रैली में अधिक से अधिक भीड़ जुटाने को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां बांटी गई है। नगर पंचायत कार्यालय के समीप शिव मंदिर सोलाकुई नगर अध्यक्ष अमित पवार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। बैठक को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष पांवर ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ गया है, महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। किसान, युवा, व्यापारी, कामगार, गृहिणी परेशान है, लेकिन राज्य की डबल इंजन की सरकार का पूरा ध्यान अवैध खनन पर है। कहा है कि सरकार खनन माफिया के चंगुल में फंसी है। कहा है कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इन सभी मुद्दों से उत्तराखंड वासियों को अवगत कराएंगे। नगर अध्यक्ष ने कहा है कि राहुल गांधी की सभा ऐतिहासिक होगी। बैठक में सभी बूथ अध्यक्षों को अपने बूथों से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को रैली में शामिल कराने की जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में कई नेता भी उपस्थित थे, कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी शामिल थे और इस रैली को भव्य बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इससे पहले बता दें कि जयपुर में राहुल गांधी जनता को संबोधित करते हुए नजर आए थे और अब उत्तराखंड में भी राहुल गांधी दौरे करते हुए नजर आएंगे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।